अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं आटो कैट 2015 में लेसन नंबर 50। स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 50 तो मुझे लेसन नंबर मेन मुझे शुरू में ये लेसन आपको बताना चाहिए था, लेकिन मुझे अभी मतलब कुछ ज़रूरत पड़ी इस लेसन की, क्योंकि मैं काम करते हुए मेरे इसमें आटो कैट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने उसको फिर कस्टमाइज़ किया था। तो इसलिए मुझे मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी ये चीज़ आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। तो स्टूडेंट्स, ऑटो कैट जो ऑटो कैट 2015 है या फिर ऑटो कैट 2011, 12, 13, 14 या 15, ये जो ऑटो कैट के लेटेस्ट वर्जन थे, ऑटो कैट 2007 के बाद के जो वर्जन थे, तो उनमें एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी, पैनल्स, जिनको आप पैनल्स कहते हैं। तो मैं आपको आज के लेसन में क्या क्या चीज़ें करनी है मैं आपको वो पहले बता देता हूँ। तो आज के इस लेसन में हम करेंगे जी बैकग्राउंड ऑटो कैड का जो वर्क स्पेस होता है उसको कैसे चेंज करते हैं, और हाउ टू कस्टमाइज वर्क स्पेस, ऑटो कैड का वर्क स्पेस कैसे कस्टमाइज करते हैं, एंड इनेबल डिसेबल रिबन, रिबन को इनेबल कैसे किया जाता है, डिसेबल कैसे किया जाता है, तो इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ से ऑटो कैड को ओपन करता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑटो कैड जो 2007 था, तो उसमें ये रिबन्स नहीं दिए जाते थे, इसको रिबन्स का कहा जाता है, या फिर आप प्रॉपर्टी कह सकते हैं, पैनल कह सकते हैं। तो पैनल जो होते हैं ये अलग से, ये टेक्स्ट का एक पैनल आ गया, डायमेंशन का एक पैनल, लेडर का पैनल, और ये जो पूरा का पूरा यहाँ तक आ जाता है इसको आप रिबन कहते हैं, और ये जो होम आ गया, एनजेड आ गया, ये हमारे पास मेन्यू है। तो स्टूडेंट्स, अब ये जो रिबन होता है, आप जो जिन लोगों ने पुराने ऑटो कैड, ऑटो कैड 2007 में ज़्यादा काम किया होता है, ऑटो कैड 2007 में जो लोग बहुत ज़्यादा काम जिन्होंने किया होता है, तो उनके लिए ऑटो कैड 2015, 14 या 13 ऑपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए एक ऑटो कैड में एक एडवांस चीज़ आई है, या एडवांस वर्क स्पेस आया है, जो कि आपका कस्टम वर्क स्पेस जिसे आप कहते हैं, आपका जो नॉर्मल वर्क स्पेस होता है, वो वर्क स्पेस यहाँ पे इसमें दिया होता है। तो वो आप उसके ओपन कर सकते हैं, उसको एक्टिव कर सकते हैं, या फिर आपके पास ऑटो कैड जिस तरह ऑटो कैड 2014 में है और ऑटो कैड 2015 में ये वर्क स्पेस नहीं दिया हुआ, तो ये कौन सा वर्क स्पेस है जी? वर्क स्पेस है, कस्टमाइज करना है तो अपने इस वर्क स्पेस का नाम है, आपका जो नॉर्मल वर्क स्पेस होता है उसका नाम होता है जी, मेरे जहन से निकल गया नाम, मैं आपको बताता हूँ। यस, नाम याद आ गया, उसका नाम होता है क्लासिक वर्क स्पेस। तो जो मेन आपका ऑटोकैड 2007 का जो वर्क स्पेस था, जो उसका लेआउट था या फिर उसका जो इंटरफेस था, वो था क्लासिक इंटरफेस या फिर क्लासिक वर्क स्पेस। तो यहाँ पे इसका जो वर्क स्पेस है वो है ड्राफ्टिंग एंड इनोवेशंस, 3D बेसिक्स, क्लिक करें आप यहाँ पे तो देखें कि 3D बेसिक्स का वर्क स्पेस आपके पास सामने आ गया, देख सकते हैं। उसके अलावा आपके पास एक और वर्क स्पेस है 3D मॉडलिंग, जिसके ऊपर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में काम करेंगे, 3D मॉडलिंग में भी। और उसके अलावा सेव करंट भी, आपने अगर कोई खुद से वर्क स्पेस बनाना है तो उसके लिए आप सेव करंट कर सकते हैं और कस्टमाइज कर सकते हैं, ये कुछ वर्क स्पेस होते हैं। तो मैं ड्राफ्टिंग पे क्लिक करता हूँ जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये ड्राफ्टिंग का वर्क स्पेस आ जाता है। ओके, आपकी जो टूल है, आपका ये जो बार है आपकी, आप इसे एडजस्ट करना चाहें तो आप यहाँ पे इसे मूव करें, तो देखें इस तरह का जो ऑप्शन आता है उस पर आप इसको रख दें, तो ये बस मूव हो गया आपकी, ये बार बड़ा करने, यहाँ से बड़ा कर दें कमांड एरिया जो आपका। ओके, और वर्क स्पेस चेंज करने के लिए एक तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, और दूसरा तरीका आपको यहाँ पे सेटिंग्स पे आपने क्लिक करना है, देखें वर्क स्पेस स्विचिंग है, क्लिक करेंगे यहाँ पे तो यहाँ से भी आप इसको स्विचिंग कर सकते हैं, मीन आपको इस मूव कर सकते हैं। अगर आपके पास वर्क स्पेस सामने नहीं आ रहा तो आप इसको भी सामने ला सकते हैं, तो वो मैंने आपको फर्स्ट लेसन में बताया था आई थिंक, कि आप यहाँ पे देखें वर्क स्पेस पे मैं क्लिक करता हूँ, वर्क स्पेस हाइट हो गया है, वापस लाना है तो इस बटन पे क्लिक कर, वर्क स्पेस पे क्लिक करता हूँ, वर्क स्पेस वापस आ जाएगा। तो अब मैं करता हूँ यहाँ पे एक नया वर्क स्पेस बनाता हूँ, जो कि क्लासिक के नाम से हमारे पास वर्क स्पेस होगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इस रिबन्स को हाइड कर दूँ इन सबको, और हाइड करने से पहले मैं यहाँ पे एक मेन्यू बार लाता हूँ, जो कि हमारे पास क्लासिक की मेन्यू बार होती थी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे मेन्यू, शो मेन्यू बार पे क्लिक करता हूँ, तो मेन्यू बार मेरे पास आ गई।
और अब मैं इसको हाइड करना चाह रहा हूँ सारे के सारे इस बार को, तो उसके लिए मैं मिनिमाइज करता हूँ पैनल को। इस बटन पे आप क्लिक करें, आपका पैनल देखें मिनिमाइज हो गया। अब ये जो बार है ये आपकी हाइड नहीं होगी, देख सकते हैं। तो ये बार भी हाइड करने के लिए, कंप्लीट को हाइड करने के लिए एक कमांड होती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो कमांड यहाँ पे आ जाए। तो CUI आई थिंक, कस्टम यूजर इंटरफेस ऑटोकैड। हाँ, यहाँ से आप इसे हाइड कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन मैं ख़त्म तो करूँगा लेकिन मेरे पास वो वापस नहीं आएगी। वो थोड़ा मुश्किल तरीका होता है उसे वापस करने का, वापस लाने का। तो मैं आपको सिंपल से तरीके से बताता हूँ। तो वो तरीका ये है कि आप यहाँ से इसको जब मिनिमाइज करेंगे, मिनिमाइज करने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है टूल बार, टूल बार। तो जो टॉप वाला टूल बार है ये नहीं, इससे नीचे वाला जो टूल बार है इसको आप एक्टिव करें, एंटर करें। अब आपसे कह रहा है एंटर टूल बार नेम, नेम क्या होना चाहिए टूल बार का, क्या कौन सा नेम है? तो नेम है जी टूल बार का स्टैंडर्ड। तो आपको याद होगा कि ऑटोकैड 2007 में एक स्टैंडर्ड टूल बार होती थी, तो मैं स्टैंडर्ड पे क्लिक करके एंटर करता हूँ। तो कह रहा है शो करना है स्टैंडर्ड टूल बार को, हाइड करना है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, शो करना चाह रहा हूँ, तो शो के लिए मैं SHOW एंटर करता हूँ। तो आप देखें आपके पास यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार आ गया, देख सकते हैं। आप इसी से आप और भी टूल बार ला सकते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करें। और कौन कौन सी टूल बार होती थी जी? ड्रॉ टूल बार थी, यहाँ पे ड्रॉ टूल बार आ गई। और कौन सी टूल बार होती थी? ड्रॉ के बाद आपके पास एक टूल बार थी जी, लेयर की थी, लेयर टू की थी, लेआउट, मैपिंग, मॉडलिंग, मॉडिफाई के टूल बार थी जो इस साइड पे आती थी, मॉडिफाई के टूल बार आ गई यहाँ पे। और इसी तरह आपके पास जी टूल बार और थी, लेयर्स की टूल बार थी, क्लिक करें आप यहाँ पे, लेयर्स की टूल बार आ गई। इस लेयर की टूल बार को उठाता हूँ, उठा के मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। इस टूल बार को उठा के ऊपर रखता हूँ। ओके, देख सकते हैं। तो ये टूल बार आपके पास सामने आ गई, देख सकते हैं आप। और इसमें आप देखें मॉडिफाई के सारे काम है, सारे के सारे बटन आ गए यहाँ पे, देखिए उसके बटन सारे आ गए, स्टैंडर्ड टूल बार के आ गए, देख सकते हैं। और इसके अलावा नीचे फॉर्मेटिंग टूल बार भी होती है, तो फॉर्मेटिंग टूल बार भी लाना चाहे तो आप इस पे क्लिक 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 करें यहाँ पे, और यहाँ पे आपको जी फॉर्मेटिंग टूल बार नज़र आएगी, तो आप वो भी ला सकते हैं यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा टूल बार आप यहाँ से ला सकते हैं। डायमेंशन टूल बार है, डायमेंशन पे क्लिक करें, डायमेंशन टूल बार भी आपके पास यहाँ पे देखें आ गई है, देखें तो इसको भी हम एडजस्ट करते हैं। डायमेंशन टूल बार भी एडजस्ट हो गई। तो ये टूल बार आपने यहाँ पे सारी की सारी एडजस्ट कर ली। और इसका जो कलर है, तो उसका कलर जो हमारे पास इस तरह का नहीं होता था, उसका कलर थोड़ा लाइट होता था। और उसके लिए मैं यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करता हूँ और मैं देखता हूँ यहाँ पे इसका कलर कैसे चेंज होगा। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, आई थिंक यहाँ से होगा। ऑप्शन पे क्लिक किया, अभी ये थोड़ा सा टाइम देगा। ओके, आगे यहाँ पे आप डिस्प्ले पे क्लिक करते हैं और डिस्प्ले में कलर स्कीम डार्क है, तो इसको मैं लाइट करता हूँ यहाँ से और अप्लाई कर देता हूँ। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, और आपका इंटरफेस जो कि यूज़र इंटरफेस आपका कौन सा चेंज हो गया जी? ऑटोकैड 2007 वाला आपका बस इंटरफेस यहाँ पे बन गया। अब ये काम करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करेंगे और आप करेंगे इसको सेव करंट एज, क्लिक करें और यहाँ पे आप इसको दे दें जी क्लासिक इंटरफेस, नाम दे दिया मैंने इसका, और इसको मैं सेव कर देता हूँ, क्लासिक वर्कस्पेस नाम देता हूँ इसको, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ से।
अभी सेव हो गया। अब दूसरे इंटरफेस में आप जाना चाहें तो आप यहाँ से जा सकते हैं, क्लिक करें यहाँ पे, और दूसरा जो हमारे पास कौन सा है जी, ड्राफ्टिंग है, क्लिक करें तो ड्राफ्टिंग का वैसा रहेगा, देख सकते हैं यहाँ से चेंज हो गया कलर। ओके, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कलर ही चेंज हो, तो कलर को वापस लाने के लिए यहाँ पे जाएं और ऑप्शन पे क्लिक करके ऐसा कलर आप डार्क कर लें। ओके, तो ये देखें आप जी, आपके पास क्लासिक इंटरफेस भी बन गया। क्लासिक में दोबारा जाना चाहते हो तो इस बटन पे क्लिक करें सेटिंग्स पे, और दोबारा आप वर्क स्पेस कौन सा जी, क्लासिक वर्क स्पेस पे क्लिक करें तो देखें क्लासिक वर्क स्पेस पे आप आके देख सकते हैं। तो ये था जी आपका वर्क स्पेस, आप कैसे बनाते हैं, वर्क स्पेस में चेंजिंग किस तरह करते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।